हमने पेशाब जी जी आर यू आर्ग्यूइंग एज पार्टी एज काउंसिल व्हाट योर ऑनर जो आपकी असिस्टेंस हो सकती है मैं उसका जवाब हम तो सीनियर काउंसिल जी लेना चाह रहे हैं वी हैव नोटेड ऑल द क्वेश्चन हां साहब देखिए लेट्स गो बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ हम अभी उस पर नहीं आए कि आपने सही किया गलत किया इन्होंने सही किया गलत किया जी आप इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया सही किया गलत किया वो भी हम नहीं देख रहे हैं वो ऑर्डर को आपने जाके लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जहां से एक पहले से पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी आपने कहा इस पिटीशन को उसको साथ लगा ले चले ये भी ठीक है आपकी रिक्वेस्ट पे लार्जर बेंच बना दे उन्हें 5 मेंबर बेंच बना दी फिर अली जफर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा जी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अब तो आपने इलेक्शन कर लिए तो अब आपकी पिटीशन इसको खत्म कर दें उन्होंने कहा नहीं इसको आप रखिए सब जूडिस विद फुल बेंच अब ये मैटर इलेक्शन का मैटर है चले अब या तो आप इंतजार करते कि हाई कोर्ट या तो आप इसको वापस ले लेते वो आप नहीं कर रहे हैं इंफ्रक्चर्स खुद से नहीं होती ना कोई आएगा कहेगा फिर ऑर्डर पे पास करेगा जज इंफ्रक्चर्स हो गई ये वापस हो रही है जो भी आप कहना चाहें उस पिटीशन को आप जिंदा रख रहे हैं आप जाके इशारा एक और कैसे पहुंच गए ये मुझे समझ देखिए ये तो सब्सिक्वेंटली जब इलेक्शन हो गए और उसको इलेक्शन कमीशन ने नल वॉइड डिक्लेयर किया फिर हम पेशावर हाईकोर्ट गए ये तो लाहौर हाईकोर्ट क्यों नहीं पसंद आया नहीं लाहौर इसकी वजह बिटवीन आपको वही आप एक कोर्ट जाते हैं फिर दूसरे जाते हैं नहीं अब वो मतलब ये नहीं सर उसका वजह उसकी वजह ये जब हमने इलेक्शन कराए हमें कहीं और सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही थी सिर्फ पेशावर में हमें सिक्योरिटी फ्राहम की गई आप मांग लेते ना कोर्ट से बात कि मुझे सिक्योरिटी नहीं जा रही है हम अगर हाईकोर्ट नहीं देती हम आपको इतनी हाँ ये बताएं ये ना बताएं सब मुश्किल सवाल आप इन पे छोड़ देते सिक्योरिटी का योराना ये मुश्किल सवाल हम हमेशा सीनियर काउंसिल से पूछते हैं ये मुझे राइटिंग में जो आप सारे बिल्कुल देंगे राइटिंग में आपके सामने मगर देखिए ना फिर मसला ये है ना कि ये एक आम केस होता है ना ये है टाइम रिलेटेड केस ये आपको सिंबल नहीं दे रहे हैं आपको एक सिंबल चाहिए तो हम तो चाह रहे हैं कि अगर आपका सिंबल बनता है आपको फौरन मिल जाए तो हम आमतौर पे तो आपको बहुत टाइम दे देते मगर इसमें फिर आपको सिंबल नहीं मिलेगा हम ये नहीं चाह रहे इसीलिए हमने कहा आप जब चाहें हम सुनने के लिए तैयार हैं दूसरा हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी हमने मैंने अपने कोलीग्स को कहा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है इसको पहले कर लेते हैं तो ये हमें जब तक ये इसमें अब देखिए वही सारे लोग हैं सैयद अली जफर साहब भी वहां मौजूद हैं वो भी नहीं बता रहे हमें कि क्या बना उस केस का ये तो नहीं कि दूसरे काउंसिल हैं वही काउंसिल है ना सारे पेंडिंग चले मगर ये देखिए अब आप गौर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं नहीं करना चाह रहा था फोरम शॉपिंग जो कोर्ट्स जनरली फ्राउंड अपॉन तो यहाँ से रिलीफ नहीं मिली तो जाके वहां फाइल कर दो वहां से नहीं मिली तो दूसरा कोर्ट में चले जाओ तो फिर ये फिर सिस्टम को खराब करता है तो देखिए अब आपने एक आपने ठीक है लाहौर चले गए फाइन तो फिर वहीं रहिए ना लाहौर में फिर आप क्यों जा रहे हैं पेशावर या फिर आप जाइए जहां के इलेक्शन कमीशन मौजूद है जो कि इस्लामाबाद है तो देखिए अब आप कहें जी मैं इलेक्शन करता हूं जाकर फलां जगह मैं इसलिए पिटीशन करूंगा आप अपना कॉज ऑफ एक्शन नहीं क्रिएट कर सकते कॉज ऑफ एक्शन इज क्रिएटेड बाय लॉ यानी कि मैं ये काम करूंगा तो मैंने जो काम किया उस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जनाब अच्छी तरह जानते हैं भाई आप जो भी पेंडिंग है बात पूरी सुनो हां आपके सामने पेंडिंग है केस जिस पे हमें हमने अर्ज किया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे हमें हैरेस किया जा रहा है हमें कहीं सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है हमारे लोगों को अंदर किया जा रहा है सारी बातें कही हमारे साथ जो हो रहा है इन दी सर्कमस्टांसेस में ना इस्लामाबाद में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी ना लाहौर में जहां हम इलेक्शन करा सकते सो पार्टी ने डिसाइड किया कि the only place where security is provided is in Peshawar and therefore we held the election in Peshawar when elections were held in Peshawar territorially it was only right and proper to file it before the Peshawar High Court so see these are the various stages of a case dekhiye khan sahab ji ek hota hai intizamiya isme abhi aap kai एक है इलेक्शन कमीशन वो एक आईनी इदारा एक है अदालतें जो कि आईनी अदालतें हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप आए हमारे पास अली जफर साहब उस केस में थे और इलेक्शन की बात हुई हमने उस केस का फैसला 12 दिन में कर दिया कि इलेक्शन हो 8 फरवरी की तारीख तय हुई सब लोग खुश थे आपकी की पार्टी खुश इलेक्शन कमीशन खुश सदर खुश किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कहा अटॉर्नी जनरल खुश चारों एडवोकेट जनरल खुश सब ने ये मुतफिका तौर पे ये हो गया तो जब भी कोई अब आप यकीनन आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें होंगी मगर कोर्ट उस वक्त आएगा जब कोई आए तो उसके सामने ना दूसरे केस में कंटेम्प मैटर में आए वो एक और बेंच ने फॉरन ऑर्डर पास कर दिया कि जी सारी सहूलियतें जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ दी जाए उसके बाद कंटेम्प्ट आई फॉरन हमने ले ली कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जो उन्होंने केस बनाया हमने उनको रिपोर्ट मंगवा ली तो ये जहां तक हमारा ताल्लुक है या तो बताएं हमने कोई काम नहीं किया लाहौर हाईकोर्ट को आप गए आपने कहा जी लार्जर बेंच बना दो 5 मेंबर की जनरल बेंच बना दी फिर
आप उसको अबैंडन कर रहे हैं ना, या तो आप कहें कि मैं वापस देता हूं केस खत्म, मगर उस केस को लटका के कहीं और कैसे जाना है, ये जरा समझाने की हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर उसमें वो वर्चुअली फ्रैक्चर्स हो गया इसलिए। तो एक लाइन की दरखास्त देना थी ना, वो तो कोर्ट खुद आपको कह रही है आपने इलेक्शन कर लिया तो मैटर खत्म हो गया। आपने कहा नहीं नहीं, ये फुल बैंड को आप बनाएं और ये हम करेंगे। फिर आपने सॉरी टू यूज, मगर ये तो फिर आपने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, फिर आपने अपने आप को रोक दिया लाहौर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में। आप उधर से निकल जाते, आप कहते हैं खत्म हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद छुट्टियां हो गई थी, केस लगा नहीं उसके पास, जो भी बात है। मगर वो लाहौर हाई कोर्ट ने सीज तो कर लिया ना, लिस्ट वहां पड़ी हुई है। एक इलेक्शन का मैटर लाहौर हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, एक इलेक्शन का मैटर इस्लामाबाद में, पिशावर में चला गया। तो अब कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ सकते हैं, ये तो कभी नहीं करते हैं। ये शॉर्ट ऑर्डर है, ये ज्यूरिसडिक्शन का इशू उठाए हाई कोर्ट के सामने पिशावर हाई कोर्ट में, वेदर the writ is maintainable according to the territorial jurisdiction of the court or not. Yes, it is. Because we have no order, we have only short order. We do not know what are the reasons, if any, assigned by the learned bench of the... Yes, sir. So because I was counsel. In this case, there is a question of territorial jurisdiction. I'm sorry to interrupt you. Right. I was counsel for the ECP. You raised the objection. In which case? In my short writ petitions, from which this judgment... the immune judgment arises, my lord. Yes. And to answer my lord's question, not only did I raise the objection of forum shopping based on the Pirimsi judgment, but several of the complainants who were also heard, they also raised the same objection that in the first instance, my lord, the order dated 23rd-11 is impugned in Lahore High Court. Then the order dated 22nd, which arises from that, is impugned in Peshawar High Court, and through an identical petition, also impugned in the Lahore High Court. That... So there is an identical petition to petition 6-1. That's not party's petition. This is absolutely incorrect. Not that petition. Making incorrect statement. I complete what I'm saying. Chaliye, aap note kar lijiye, that can be responded. That petition is issue of jurisdiction. Ye zara ye to tayyun kar le. WP 81171 of 2023 and WP 332 of 2023. Are they still pending in the Lahore High Court? Will we have a clear statement on that? Yes. Batai Khan sahab, aap, you are the petitioner. According to the last order, both are pending, I think. Pakistan Tehreek-e-Insaf is the petitioner in both these petitions, apparently. Ye pending hai, aaj ki tareekh mein kya position hai? 332 mein Your Honor, PTI nahi hai, usme Imran Ahmed Khan niyazi hai. Is it pending or not pending? Yes, pending. Dono pending hai. Is it personal grievance on that account? Chale, woh bhi chale, woh bhi alag kar diya, magar aapne usko club kar diya hai, 811171. So, how, when the matter is pending adjudication before a court of law, how can you go out of the territory of that court? Your Honor, nev subsequent cause of action arise hua, subsequent election take place ho gaya, jis tarah banda convicted ho jata hai, saza kaat ke bahar aa jata hai, apne conviction se acquittal chahta hai. तो ये वही है, हमने कहा जो फाइंडिंग दी है पहले में वो भी गलत थी, पहले डिसीजन इस बात पे एक्सरसाइज कर पाए थी हमें। आप वकील आज हैं या जरा मैं आपकी सिर्फ देखिए खान साहब, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस है ना, तो हम जरा खान साहब की अगर सीनियर काउंसिल का फायदा हम नहीं उठा रहे ना, अगर आप या फिर वो भी अपनी बात कर सकते हैं, वो समझते हैं कि वो खामोश हैं, तो हमें कोई इतराज नहीं, आप चुन लें, आप उनके कान में भी बता सकते हैं खान साहब के, मगर जरा देखिए लीगल इशू को हम जरा रिजॉल्व तो कर लें ना। तो ये देखिए मेरा जो तरीकेकार है शायद लोगों को पसंद भी नहीं है, अगर मेरे या पसंद है पता नहीं, जो मेरे जहन में कोई कानूनी लीगल इशू खड़ा होता है मैं खामोश नहीं रहता हूं, मैं बता देता हूं कि ये आप अटेंड कर लें, ठीक है। जब मैं वकालत करता था मुझे वो जज पसंद होते थे तो मुझे बता देते थे कि भाई ये इशू है, कुछ लोग खामोश रहते थे, बाद में कुछ फैसला कर देते, पूछा भी नहीं मुझसे। जो जनाब ने सवाल पूछा, हम उसमें एक्चुअल प्ली है ना, इसमें तो कोई लीगल प्ली क्या होगा कि आपने विड्रॉ क्यों नहीं की, और या आपने उसको केस को चलाया क्यों नहीं, या आप दरखास्त देते कि आप केस मेरा क्यों नहीं चला रहे हैं कि भाई बहुत अहम केस है जल्दी करें। Just to complete the sequence.